सो दिस इज़ बोट ऑडियो X30 बोल्ट की तरफ से एक नया ईयरबड्स जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, एंड इसका जो लॉन्च प्राइस था वो था 999 रुपीज़, यानी 1000 रुपीज़ के अंदर आपको एक ब्लूटूथ ईयरबड्स देखने के लिए मिल रहा है बोल्ट की तरफ से, एंड दिस इज़ प्योरली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। सो आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड पैकेट देख सकते हो, काफ़ी कॉम्पैक्ट पैकेट है। पीछे की तरफ कुछ फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जस्ट लाइक वॉइस असिस्टेंट है, म्यूजिक कैंसिलेशन, नॉइस कैंसिलेशन है, वन टच स्मूथ कंट्रोल, मल्टीपल म्यूजिक मोड्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड ऑल्सो बोथ ईयरबड्स एक साथ कनेक्ट होता है, एंड स्टूडियो कॉलिंग एंड माइक देखने के लिए मिलेगा। कुछ भी फर्जी का लिख दिया है। एनीवे लेट्स ओपन द पैकेट। ओके, सो बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको बोल्ट ऑडियो बोल के एक पैकेट मिलेगा, एंड इसके अंदर है एक यूज़र गाइड। सो नॉर्मली आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है, एंड इस वाले QR को स्कैन करके और 3 मंथ आप वारंटी इसका एक्सटेंड कर सकते हो। दिस वन इज़ अ रिवॉर्ड कार्ड जहाँ पर आप 20,000 तक जीत सकते हो, एंड अगेन यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड फॉर दैट। दिस वन इज़ द एक्सेसरीज। तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलता है, टाइप सी है देख सकते हो, एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड दिस वन इज़ द हेडफोन। काफ़ी अच्छा यहाँ पर बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंड ऐसे ही ओपन हो जाता है। ओपन होते ही आपको यहाँ पर बैटरी स्टेटस दिख जाएगा, एंड ये है आपका ईयरबड्स, मैग्नेटिक है देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर 4 बैटरी स्टेटस आपको देखने के लिए मिलेगा, बट प्लास्टिक का जो केस है उतना ही प्रीमियम क्वालिटी का नहीं है, ये ऐसे ही हिंज की वजह से इतना टाइट होकर फिट हो जाता है, बट स्टिल एक गिरने वाला नहीं है, आप देख सकते हो। गुड, लेट्स ट्राई इट आउट। सो पहले हम करेंगे इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट। ये नॉर्मली आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल आपको पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है, एंड इसका बॉक्स को ओपन कर लेना है। देख सकते हो बोल्ट ऑडियो ईयरबड्स करके आया है, बट कनेक्ट होने के टाइम भाई कुछ वॉइस आते हैं जिसमें बोलता है कि ये कनेक्टेड है, बट क्या बोल रहा है अभी तक मेरे को समझ में नहीं है। मैं आपको सुना देता हूँ क्या बोल रहा है भाई, रियली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है शायद योर ईयरबड्स बड्स नाउ कनेक्टेड कुछ ऐसा ही कुछ बोल रहा है। ओके, एनीवे लेट्स प्ले सम म्यूजिक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द साउंड क्वालिटी। तो ऑनेस्टली बताए, इस वाले ईयरबड्स का साउंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इन दिस बजट प्राइस रेंज काफ़ी अच्छा ये वाला साउंड रहता है, बेस भी अच्छा मिल रहा था, नीचे वाला वोकल भी अच्छा मिल रहा था, बट मिडिल वाला जो सेपरेशन है उतना भी ज़्यादा, इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन जो है उतना भी ज़्यादा खास मेरे को देखने के लिए नहीं मिला, बट ओवरऑल अगर साउंड की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साउंड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो 3 म्यूजिक मोड्स भी है, आप उसमें टॉगल कर सकते हो, बट म्यूजिक मोड्स मेरे को उतना भी खास नहीं लगा। जो भी नॉर्मली मोड बॉक्स से ओपन करने के बाद, डायरेक्ट पेयर करने के बाद जो भी मोड पे प्ले होता है, आई डोंट नो व्हिच मोड इट इज़, बट उस वाले मोड पे बहुत ही अच्छा साउंड दे रहा था। हालांकि अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हो बेस बूस्ट मोड में, ये उतना भी ज़्यादा अच्छा बेस नहीं देता है, बट नॉर्मली आपको उससे भी अच्छा सुनने के लिए मिलेगा। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, बाकी आप अपने वॉइस सेट कर सकते हो। सो अगर म्यूजिक मोड का बात करें तो यहाँ पर आपको रॉक मोड, बेस बूस्ट मोड एंड हाईफाई म्यूजिक मोड देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टच कंट्रोल। टच कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है, प्रिसाइज है, एंड देख सकते हो यहाँ पर जो है एक अलग सा कैविटी बना हुआ है इसका टच बटन के लिए। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपका जो उंगली है इसमें ही एकदम एक्जैक्टली लगता है, तो टच में कोई दिक्कत नहीं आता। बाकी सारे ईयरबड्स के यहाँ पर टच होता है एंड कोई भी इसमें कैविटी नहीं बना होता है, सो टच करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बस इस वाले में ये दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैविटी बना है, एकदम प्रिसाइसली आपका उंगली यहाँ पर ही लगता है, एंड टच काफ़ी इसका एक्यूरेट है एंड काफ़ी अच्छे से काम करता है। ओके, सो टच कंट्रोल के बारे में बता देता हूँ आपको, एंड ये सारी चीज़ मैनुअल में लिखा हुआ है। फर्स्ट थिंग, आप प्ले पॉज कर सकते हो बाय सिंगल टैप ऑन एनी ऑफ द ईयरबड्स, लेफ्ट और राइट किसी भी सिंगल टैप करके आप प्ले पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट एंड प्रीवियस ट्रैक जा सकते हो, जाने के लिए आपको डबल टैप करना पड़ेगा, एंड कॉल को आंसर करने के लिए अगेन सिंगल टैप कोई भी एक ईयरबड्स में करना पड़ेगा। कॉल को हैंग अप करने के लिए, चाहे वो ऑन गोइंग कॉल हो या फिर कॉल रिजेक्ट करना चाहते हो, देन आपको डबल टैप करना पड़ेगा। वॉइस असिस्टेंट को ऑन करने के लिए आपको जस्ट लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा लेफ्ट वाले ईयरबड में। वॉल्यूम अप एंड डाउन भी ऐसे कर सकते हो आप, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए 3 टाइम आपको टच करना पड़ता है लेफ्ट
साइड में वॉल्यूम डिक्रीज होगा, राइट साइड में वाले में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मल्टी म्यूजिक मोड को एक्टिवेट कर सकते हो 4 टाइम टच करके राइट साइड वाला ईयरबड्स में, एंड गेमिंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हो 4 टाइम टच करके लेफ्ट साइड वाला ईयरबड्स में। सो ये था टच कंट्रोल। एंड ये वाला केस को ओपन करके आप जब भी ईयरबड्स निकालोगे ये कनेक्टेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके फोन के साथ। बट एक चीज प्रॉब्लम है, देख सकते हो यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बार पूरा फुल में हो जाता है जब भी आप इसे कनेक्ट करोगे। डायरेक्ट गाना अगर प्ले कर दोगे तो एकदम फुल वॉल्यूम में बजना शुरू कर देता है, जो कि कान के लिए बहुत ही हार्मफुल है। सो ये मेरे को दिक्कत लगा, डाउन करके, फुल डाउन करके क्यों ना इसे कनेक्ट कर रहे हो, ये देखो फुल वॉल्यूम में चला गया अगेन। एंड बॉक्स को क्लोज करने के बाद ये गाना पॉज होता है, यानी बॉक्स को क्लोज करने के बाद ये बड्स डिसकनेक्ट होता है। सो अभी मैं इसका माइक्रोफोन का भी साउंड क्वालिटी आपको सुनाया था। सो दिस इज द साउंड कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली माई ईयरबड्स, एंड मैं अभी एक रूम एनवायरमेंट में हूँ एंड काफी क्वाइट एनवायरमेंट में हूँ, एंड देख सकते हो कैसा साउंड देने वाला है ड्यूरिंग द कॉल। सो आई होप आपको एक आइडिया लग ही गया होगा इसका माइक्रोफोन का क्वालिटी के बारे में। सो यहाँ पर गेम मोड भी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर आपको गेमिंग का साउंड लेटेंसी भी सुना देता हूँ। सो अभी जो आपको साउंड आ रहा है ये विदाउट गेमिंग मोड, मतलब नॉर्मल म्यूजिक मोड पे साउंड है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा लेटेंसी है। बट अगर मैं गेम मोड ऑन करूँ तो अभी जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है ये आपको गेमिंग मोड का साउंड सुनाई दे रहा है, एंड आप लेटेंसी देख सकते हो कितने ज्यादा कम हो गया है। ओके, सो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड ईयरबड्स इन दिस प्राइस रेंज। इतना ज्यादा भी हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। म्यूजिक वगैरह आप काफी अच्छा एंजॉय कर सकते हो, एंड ऑल्सो इसे पहनकर आप गेम भी खेल सकते हो। सो डेफिनेटली अगर आपको एक बजट प्राइस रेंज में कोई भी ईयरबड्स चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट रहे, सवाल रहे, सजेशन रहे, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।